आज लोडिंग दोबारा मुझे नहीं नज़र आ रही और लोडिंग बंद हो चुकी है लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी वो तेज़ी से नीचे भी आएगी। जिन भाइयों ने चांस लेना था या बेच दिया माल, हमारे कहने के मुताबिक काफ़ी दोस्त थे, उनका उन्होंने बात मान ली और 5,000 रुपये टच कर गए थे। हमने उनको बाज़ार 4600-4700 का दिया था तो वो 5,551-5,552 में फ़रोख्त हुआ है। फिर जो हमने 5,000 से दिया था 5,152, उन्होंने 55 में बेचा, 55 वालों ने फिर 6,000 तक 5,700-5,800 तक बेचा। और सलाम वालेकुम, तब सूद यार गड़े सिंगल ये 15 रुपये गेड़ी है पता यहाँ साग और सावा प्याज मिलता है इस जगह पे। ये सुबह सुबह यहाँ लोग ये इस तरह की छोटी छोटी गडलियाँ सी होती हैं ये लिए होती हैं, जिसमें धनिया है, पुदीना है, साग है, मुख्तलिफ़ किस्म के साग होते हैं, और ये इसमें लाल मूली होती है देखिए ये। और इसके अलावा यहाँ बस यही ये मंडी का मेन गेट जो है ये इस जगह पे ये चीज़ें बेची जाती हैं। इसके अलावा जहाँ अब ये देखें यहाँ सफ़ेद मूली, ये भी मूली है, और ये देख सकते हैं इधर शापरों में ये बन करके जो परचून की दुकानें होती हैं या दुकानदार होते हैं, जिस तरह हमारे साथ लोकल मंडियां हैं, जिस तरह घंटा घर हो गया, फिर दोस्त की मंडी हो गई, ये और आम जो दुकानदार होते हैं उनके लिए ये शापर में डाल लेते हैं। सुबह सुबह लोग यहाँ से आके ख़रीद लेते हैं। अब ये मूली है, लोग सुजुकियों में लाते हैं, फिर यहाँ होल सेल के हिसाब से बेचा जाता है माशाल्लाह। ये सामने जी आलू का वो है ब्लॉक है जहाँ हम सुबह खड़े होकर और आप लोगों को बताते हैं। और आज जो है ये सारा, ये आप देख सकते हैं कि वहाँ तक सारा आलू ही आलू लगा हुआ है। ये चीज़ है, वो साइड पे जो है वो टमाटर का ब्लॉक है, और ये फिर आलू का शेड है, वो टमाटर का शेड है, और ये मैदान पे आलू लगता है। तो इंशाल्लाह अभी वहाँ जाते हैं, अब आपको फिर बताते हैं कि आज क्या हिसाब किताब है। कल तो अफगानिस्तान की लोडिंग थोड़ी सी कम थी, अभी आज पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, तादाद अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि क्या है। चौकीदार से मेरी बात हुई है, वो बता रहा है कि कम से कम 15 से 16 गाड़ियां खड़ी हैं और उस तरफ भी आलू की हैं, और कुछ गाड़ियां उसने यहां से हटाई हैं कि साढ़े ग्यारह ये लाल गोला है। सत्ताईस छोटे राशन गोला है, छोटा राशन गोला है 2700 रुपये। ये नॉर्मल आलू है और ये देखिए 2800। इस पे 3600 रुपये रेट लगा हुआ है, करोड़ पे 3600 रुपये। मोजी का 3100 में फरोख्त हुआ है ये। रेट डाउन से डाउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये बंद कर दिया गया, देखें ये बंद कर दिया गया।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 12 मार्च सन 2023 इतवार का दिन है, और जैसे कि आपने शुरू में वीडियो देखी होगी, अभी तकरीबन 9:45 का टाइम है सुबह, और बोली हो चुकी है। और आपको थोड़ा सा अपडेट ये देता जाऊं कि देख सकते हैं कि एक जाली की फुल गाड़ी खड़ी है और एक तोड़ा और मिक्स है, उसमें तोड़ा भी है और जाली भी है। ये साथ में लेफ़्ट साइड पे ये जो ये वाला जो खड़ा है और ये तो फुल जाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बोरी भी है और तोड़ा भी है, बोरी भी काफ़ी है। आज कम से कम 15 से 20 गाड़ियां हैं जो खड़ी हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा माल है यहाँ, और एक तो जिस पे शॉपर है देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये इस पे शॉपर है और ये जाली है। ये तकरीबन एक आरती बेच रहा था जो 2300 रुपये आप वीडियो में देखा है आपने, इससे पहले जो 2300 बता रहा था और बताया तो मालिक ने बंद करवा दिए, ये भी बंद हो गया है। मैंने बोरियां भी देखी हैं जो बंद करा दी गई हैं, और कल की रिपोर्ट के मुताबिक जो कल बिक रही थी 5000 रुपये की, 47 बोली थी, फिर परचून पे 5000 रुपये पे उसने आधी से ज़्यादा गाड़ी बेच दी थी। आज उसका रेट 4500 रुपये, लाल की मैं बात कर रहा हूँ, लाल बिक रहा था। और अगर आज बात की जाए तो थोड़ा 2100-2200 रुपये में भी एक चंद लाट अगर बिके हों कह रहे थे कुछ दोस्त, पर मैंने जो सुना है बोली में भी आपने अगर इसमें है और सुना है तो वो 1900 से लेकर जो एक्चुअल है 1900-1950-2000, पर गाक मैंने उस पर नहीं देखा। क्योंकि इस तरफ बोरी की साइड पे आप आ जाएं, बोरी की मैं बात करता हूँ अभी, और अगर ये तोड़े की बात की जाए तो तोड़े में फिर जाली देखा जाए तो जाली भी आज बहुत कम थी। अब आ जाते हैं बोरी की साइड पे। बोरी जो थी आज जो बिकी है, छोटे गोले साइज़ जो राशन था, गोला राशन था, वो 2800 रुपये में फ़रोख्त हुआ है। और अच्छे वाले आलू जो हैं वो 4600-4700 रुपये तक फ़रोख्त हुए हैं। आज जो रेट चले हैं वो 3000 से लेकर 3500 लाल, और अच्छा जो टॉप क्लास का था वो 44 से 46 तक फ़रोख्त हुए हैं। 47 का एक लाट तो वो मैंने ख़ुद देखा है तो वो फ़रोख्त हुआ है। सेंटा जो फ़रोख्त हुआ है वो 4000 बता रहे थे, पर वो बोली हो रही थी 3100 से लेकर 4000 रुपए तक आप एवरेज लगा सकते हैं। और मोजीका जो फ़रोख्त हुआ है, जो टॉप क्लास का मोजीका था, फ़रोख्त हो रहा था, हुआ या नहीं हुआ वो अल्लाह को पता। देखते रहते हैं बोली के जो मोजीकी की बोली चल रही थी वो 3500 और 3700 के दरमियान में थी, और टॉप क्लास के आलू थे। इस तरह जो मोजीके की जो आम जो बाज़ार था वो 3000 से लेकर 3100-3200 रुपये तक था। तो ये थी पेशावर सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल। और जैसे कि आज लोडिंग बंद होने का दूसरा मुझे दिन लग रहा है, और आज लोडिंग दोबारा मुझे नहीं नज़र आ रही, और लोडिंग बंद हो चुकी है लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी वो तेज़ी से नीचे भी आएगी। जिन भाइयों ने चांस लेना था या बेच दिया माल, हमारे कहने के मुताबिक काफ़ी दोस्त थे, उनका उन्होंने बात मान ली, और उन्होंने 5000 से ऊपर के, जब उस टाइम जब 5000 रुपये टच कर गए थे, हमने उनको बाज़ार 4600-4700 का दिया था, तो वो 5000-5100 में फ़रोख्त हुआ है। फिर जो हमने 5000 से दिया था 5152, उन्होंने 55 में बेचा, 55 वालों ने फिर 6000 तक 5700-5800 तक बेचा, और ये थे बाज़ार थे, उन्होंने अच्छा माल बेचा। और बस जिसने नहीं बेचा अभी, अभी तो बाज़ार अभी स्लो डाउन हो रहा है। और ये पेशावर की सूरत हाल है, आज दूसरा दिन है, काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, 15 से 20 गाड़ियां खड़ी हैं पेशावर में, और ये माल भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि सारा पड़ा हुआ है। तो ये थी पेशावर की सूरत हाल, और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि लोडिंग क्यों बंद है। तो अब जिसको ज़रूरत होगी तो वही माल ख़रीदेगा ना,
अब माल ख़रीदने का जिसको ज़रूरत नहीं है तो वो तो माल नहीं ख़रीदेगा। तो लिहाजा अब आज भी मैंने इस तरह नहीं देखा कि जो लोडिंग का कोई सिलसिला शुरू हुआ हो। अक्सर ये मुझे लग रहे हैं जिसने बोली की है वो अक्सर वो उधर तोड़ों पे भी बैठे हैं, बोरियों पे भी बैठे हैं, यानी नहीं बिका माल। जो बिक जाता है तो फिर ये यहाँ से हट जाते हैं और ख़ुद कुछ परचून बेच रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज तीसरा दिन है कि मैंने काफ़ी ऐसा माल देखा है जो पड़ा हुआ है और मालकान ने बंद कर दिया है, तो जिसकी वजह से वो बिके नहीं हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि गाहक रोज़ फिरता है, उसको ये पता होता है कि ये पुराना माल है, तो फिर पुराना माल कोई नहीं ख़रीदता। तो ये थी पेशावर सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल, आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात की है। माजरत चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कल भी अपडेट्स देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपको बार बार ये बताया जाता है कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।